जहां एक तरफ मध्य प्रदेश की नई नवेली सरकार प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को अपनी धान की फसल का भुगतान नहीं मिला है, जिसके चलते किसानों को आए दिन बैंकों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। किसान को देश का अन्नदाता कहा गया है, मगर देश के अन्नदाता की ही हालात खराब नजर आ रही है, जिसे अपनी मेहनत से उगाई गई फसल का भुगतान पाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। प्रशासनिक उदासीनता के चलते किसानों को लगभग 3 महीने बीत जाने के बाद भी अपनी फसल के दाम को लेकर बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और कभी कभी अधिकारियों के दफ्तर की खाक छाननी पड़ रही है। पूरा मामला बरसवाड़ा क्षेत्र का है, जहां एक या दो नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से किसानों की धान की फसल का भुगतान नहीं हो पाया। गौरतलब है कि किसानों को उनकी धान की फसल का एक भी रुपया नहीं मिला, जिसके चलते उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। अब परेशान होकर किसानों ने जिला सहकारी बैंक के प्रबंधक सुभाष श्रीवास्तव से गुहार लगाई है और जल्द ही भुगतान नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि अपनी फसल के भुगतान को लेकर दर दर भटक रहे किसानों को कब तक उनका पैसा मिल पाता है। जी बताएं, किस समस्या को लेकर आए आते हैं? हम किसान हैं और बरसवाड़ा क्षेत्र के जितने भी किसान हैं, इन्होंने सहकारी समिति में अपना धान बेचा है और धान आज के 1.5-2 महीने पहले दिसंबर में धान दिए हैं और आज तक उन किसानों का पेमेंट नहीं आया है। हम इस विषय को लेकर के यहाँ के कर्मचारी के पास जाते हैं तो वो हमें संतुष्ट नहीं करते, गोलमाल करके बता देते हैं कि बोले हमने अपनी कार्रवाई कर दी है, ऊपर के लोग जाने। हम ऊपर के अधिकारी के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि नीचे के कर्मचारी ने हमको अभी तक पोस्टिंग नहीं किया है, हमको कोई सूची नहीं दिया है। हम किसान जाए तो कहाँ जाए, बहुत प्रताड़ित हैं। हमारे क्षेत्र के किसान गरीब हैं और सिर्फ एक ही फसल उगाते हैं और सभी किसानों के साथ समस्या आ चुकी है। किसी के यहाँ शादी आ चुकी है, कोई बेटी की शादी कर रहा है, कोई बेटा की शादी कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम जाएं तो कहाँ जाएं। हम यहाँ के प्रबंधक से यदि बात करते हैं, प्रबंधक महोदय करते हैं कि हमने अपना काम कर चुका है, ऊपर वाले जाने। कितने किसान हैं जिनका भुगतान? हमारे बरसवाड़ा क्षेत्र के 59 किसान हैं जो दिसंबर और जनवरी में धान दे चुका है और उनका पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। उसके बाद के अभी फरवरी का पेमेंट मिल चुका है, लेकिन जो शुद्ध किसान है उनका ही पेमेंट नहीं मिला है। आज आप यहाँ आए थे, आपको क्या कहा गया? सर, जो एक किसान आपके पास आज आए थे, जो कह रहे हैं कि 60 किसानों के जो भुगतान लटके हुए हैं, क्या वजह है, क्या कारण है? एक्चुअली क्या है, अभी देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट किसानों के खाते में पैसे डाल रही है, जी धान का पैसा। अब चूंकि पहली बार हुआ है तो तकनीकी रूप से कभी कभी थोड़ी गड़बड़ियां हो जाती हैं, जिस वजह से ऐसी परेशानियां हुई हैं। और जहाँ तक हमारा विचार है, अगली बार ऐसी कोई परेशानी नहीं हो। और जो कुछ किसानों खातों में पैसा नहीं गया है, तो उसके लिए मुख्य कारण यह है कि कुछ अकाउंट्स जो है आधार से लिंक नहीं हो पाए हैं, या उनके नाम की स्पेलिंग में कुछ अंतर हो, मोबाइल नंबर दर्ज, KYC उनका सही फिट नहीं हो पाया हो, इस वजह से। सर, अभी आपने फ़ोन पर चर्चा की, किन से चर्चा की और क्या उनको अवगत कराया है? हमने अकाउंट सेक्शन में चर्चा की और हमने उनसे बताया कि यहाँ पे बहुत से किसान जो है उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए, हम लोग बहुत परेशान हैं। सर, कब तक इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा? अब उन्होंने आश्वस्त किया कि अभी करीब 800-900 किसानों का पैसा आ रहा है, जिसकी सूची प्राप्त हो गई है, वो आज शाम तक ही डल जाएगा उनके अकाउंट में, तो उसमें अपने आप ही कुछ किसान शामिल हो सकते हैं। जी सर, ये किसान शामिल नहीं होंगे इनके लिए सूची में नाम, तो फिर आप क्या करेंगे, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है इस पर? जिनके अकाउंट में पैसा नहीं आया, इसकी रिपोर्टिंग हमने बालाघाट कर दी है जी, और यहाँ से बालाघाट से भी ऊपर भोपाल में मेल करेंगे, भोपाल लेवल से ही पैसा आएगा इसमें। मेरे ख्याल से 8 दिन के अंदर पैसा आ जाना चाहिए।